मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये हमारे साथ है रजनेश भाई। बहुत मजाक करते रहते ग्रुपों में, आपने देखा होगा। हमारे दरवाजे पे आ गए, इनको पता नहीं किसने बोला था यार इतना ही ऐसे करेंगे तो हमको लग रहा है हमको कभी कुछ खरीदना ही नहीं पड़ेगा। ये भाई साहब कम से कम 2 किलो के आसपास खोया लेकर आए हैं। इनसे पूछो काहे मारे ले आओ भाई। अरे भाई, अन्नू भाई को हम चाहते हैं और हमने उनके दर्शन किए हैं और हम अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अन्नू भाई के लिए कुछ लेते चले। हमारे कृष्ण भगवान है अरे एक, नहीं 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 भगवान नहीं, नहीं नहीं सुनो नहीं। अब देखो भैया एक बात फतेह मैं बताए। अपना बड़ा भाई उनको समझता हूँ हाँ ठीक, अब और ये समझिए समझते भी रहेंगे। और हम हमारी ये सोच है समस्त बंधुओं को हमेशा याद रखना, गीता में उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने, अर्जुन से कहा है कि मानव बनकर जीना है भगवान नहीं। क्योंकि आप इस पृथ्वी लोक पर क्या लाए थे, कुछ लाए थे कुछ नहीं, जब जाओगे कुछ लेके जाओगे नहीं 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 ले जाओगे ना, तो मनुष्य क्यों घमंड करता है कि मैंने तुम्हारा भला कर दिया। जी 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 मैं अगर ये कहूंगी नहीं और मैंने तो भाई इनका भला कर दिया तो सबसे पहले मैं पाखंडी हूँ। क्यों सुनिए, भगवान किसी न किसी को जरिया बनाकर एक दूध बना के भेजता है। क्या भेजता है? दूध। हम भाई एक जरिया है, ईश्वर ने मुझे चुना है आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए, मैं वही कर रहा हूँ और इतनी सेवा कर रहा हूँ। आपको तो पता है कि पैसा तो हम चल हमारे यहाँ चलता नहीं, हम ना लेते हैं, तो ये बेचारे अपने घर में जो चीज़ हो तो वही हाल, तो इन्होंने वही द्वापर वालों करो कि भैया सुदामा के पास चावल ही होते तो लेके आए, तो इन्हों के पास भैया खोया का था, बेचारे यहाँ देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये है इनका प्रेम और यही प्रेम के ही हम भूखे हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम वहाँ हम बसते हैं। मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि हमेशा प्रेम करते रहिए समाज से, समाज को एक कड़ी में जोड़ करके हमें इस भारत को बहुत अच्छे स्तर पे ले जाना है और ऐसे ही बंधुओं को साथ ले जाकर इनकी प्रगति कराना है। और भगवान से मैं यही कामना करता हूँ सदा हमें आपके चरणों में हमें दर्जा दें और आपकी सेवा करते रहे। अरे मेरे भाई, जब तक हमारा साथ है, जब तक ये सांसें हैं, हम आपकी सेवा में लगे रहे। आपने देखे, आप एक तरीके से मेरे पैर नहीं छू रहे, आप समझ लीजिए सीधे साक्षात भगवान के छू रहे। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा आप जैसे बंधुओं की सेवा करने के लिए, और एक तरीके से आप हमारे राम हो हम हैं हनुमान, मैं बात समझिए। लेकिन ये आपका एक अपनापन है, ये एक सम्मान है, और ये सम्मान जब ऐसे मिलता है ना तो बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान ने मुझे ब्राह्मण कुल में पैदा किया है। तो आप अगर किसी के पैर छूते हो किसी गुरु के, तो समझ लो आपको इसका पुण्य मिलता है, मुझे नहीं मिलता है आपको मिलता है। लेकिन कुछ ना समझ लोग हैं वो सोचते हैं कि पैर छूना पाप होता है, पाप होता है, है ना? सही बात। कोई नहीं, अच्छे इंसानों के पैर छूने चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर अच्छा इंसान है तो उसके हमेशा पैर छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और हमारे एक देखो ये भाई आ गए हमारे गाँव के भी एक तरीके से लंबरदार, इनको हम कहेंगे ठाकुर साहब है, बहुत अच्छे इंसान ये भी है, बेचारे बहुत बढ़िया आदमी है, ये भी अपने गांव में रहते हैं और बहुत हमारे करीबी हैं, बहुत अगल बगल का मामला है। अभी आए भाई हमारे देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।